जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अलर्ट टू यूट्यूब चैनल। गाइज यहां पर बात करेंगे JKP पुलिस बॉर्डर बटालियन रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो क्या नई अपडेट आपके लिए आई है रिटर्न एग्ज़ाम को लेकर? तो यहां पर सभी जो भी जितने भी डाउट्स हैं ये आपके वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आपने अभी तक की अलर्ट टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल का नोटिफिकेशन है उसे प्रेस पर कर आल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको JKP पुलिस की ऑल अपडेट चाहिए तो वो आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती हैं। और साथ में अगर कोई जॉब रिक्रूटमेंट आएगी JKP पुलिस को लेकर तो यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड होने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में, जैसा कि दो दिन पहले वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था कि आपको जो रिटर्न एग्ज़ाम की जो डेट है वो 6 अक्टूबर को यहाँ पर मीटिंग होगी, उसके बाद जो है न्यू अपडेट यहाँ पर हेल्प की जाएगी। ठीक है, जो 6 अक्टूबर को मीटिंग हुई उसमें आपके रिटर्न एग्ज़ाम को लेकर कोई भी बड़ी खबर नहीं आई। उनका कहना यह है कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम जो है इस साल नहीं होगा, मतलब 2021 में आपका रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका अगर रिटर्न एग्ज़ाम अक्टूबर में नहीं हुआ तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम नवंबर में नहीं होगा, क्योंकि अब जो हमारे विंटर जोन है जैसा कि कश्मीर डिवीज़न, वहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम होने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं नवंबर या दिसंबर में और जनवरी फरवरी में, क्योंकि वहाँ पर जो है बर्फ़ पड़ जाती है और उसके कारण वहाँ पर जो है कोई भी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट नहीं होता है, चाहे वो किसी का भी हो। पिछले साल JKSSB ने भी ऐसा किया था, उन्हें यहाँ पर बहुत टाइम लगा था रिटर्न एग्ज़ाम को लेने में, क्योंकि वहाँ पर जो थी बर्फ़ थी और बहुत ही मुश्किल आई थी यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम को लेने में। तो इस साल भी वैसा ही होने वाला है, अगर आपका रिटर्न एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ तो ही होगा, नहीं तो आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो 2022 में चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम 2021 में हो तो आपको जो है प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपके रिटर्न एग्ज़ाम को लेकर यही सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में नहीं होगा। अगर अक्टूबर में नहीं हुआ तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका रिटर्न एग्ज़ाम जो है फिर 2021 में नहीं होगा, ठीक है, फिर 2022 में आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो वीडियो बनाने का यही मकसद है, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो तभी आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज़ आपको जो रिटर्न है वो नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको सब बातें जो हैं समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस पर कर आल पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको चाहते हैं कि आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आप हमें इंस्टा पर फॉलो करके आप हमें मैसेज कीजिए तो हम आपको रिप्लाई देंगे कि कहाँ पर प्रोटेस्ट करनी है, क्या करना है। ठीक है, और साथ में हमारे साथ एक और यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है अलर्ट की। ठीक है, वो भी हमारे साथ है, उन्होंने भी कहा है कि प्रोटेस्ट की यहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस पर कर आल पर क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।